मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें एक युवक की मौके पर और दूसरे के उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। युवक रीवा के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार क्रमांक MP04CN1953 में सवार होकर युवक बांधवगढ़ गए थे। लौटते समय जैसे ही अमरपाटन थाना क्षेत्र के नादन के पास पहुंचे, कार अनियंत्रित हो गई और खाई में पलटी खा गई। घटना की जानकारी सड़क से निकल रहे बस चालक ने पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जिसमें एक युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि सभी को उपचार के लिए संजय गांधी रेफर किया था, जिसमें विवेक सिंह निवासी उरहट की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में कार सवार ऋषि प्रताप सिंह की मौके पर मौत हुई थी, जबकि विवेक सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं घायलों में प्रज्वल, सचिन और विनय को गंभीर चोटें पहुंची हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। वहीं कार सवार प्रमिल बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि कार भोपाल के 262 शिव नगर करोड़ निवासी विनय प्रताप सिंह के नाम से परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड है। मृतक विनय से मिले पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों से जानकारी हुई कि वह नेवी में तैनात था। ये सूचना मिली है कि नादन के पास कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक आदमी स्पॉट में खत्म हुआ है और एक व्यक्ति को हमारे यहाँ संजय गांधी में एडमिट कराया गया था, जिस दौरान इलाज 3/15 पर इसकी मृत्यु हो गई। उनका नाम है विवेक सिंह, सना फुलिंदर सिंह, 32 साल निवासी उराट के रहने वाले हैं, जो कि इनके भी परिजन नहीं आए हैं, जिसकी वजह से इनकी कार्रवाई शेष है, रुकी हुई है, आने पर कार्रवाई की जाएगी। लगाने में बहुत मस्त, इसकी तो चार्ज करें डॉक्टर।